करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, और कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ या नहीं? कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उनको लगता है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ जो उनके लिए बेस्ट थी वो खो दी हुई है। वेट कर रहे हैं अभी भी आपका कि शायद आप उनके पास आओ पलट के। यस, इस कनेक्शन को वो दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको आपकी वैल्यू पता चल रही है कि आप उनके लिए कितनी लकी थे या आपने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। यस, और उनकी इस जिद्दपने ने, ईगो ने खो दिया, क्योंकि आप, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं रहे थे, आपको एक कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, अपनी जिद में, अपनी ईगो में, अपने एटीट्यूड में बैठे रहे, और उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है। और ना ही वो आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ही वो आपके पास आ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं इस सिचुएशन में, लॉस्ट फील कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। और अगर ये आगे बढ़ते भी हैं, चैरियट एंड बॉटम पे सेवन ऑफ कप्स, आगे बढ़ भी रहे हैं तो इनको लेसन ही मिल रहे हैं, इनको वो खुशी नहीं मिल रही, इनको नेगेटिव लोग ही मिल रहे हैं, सिर्फ लेसन, इनको खुशियाँ नहीं मिल रही औरों के साथ, अगर ये बढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो। तो करंटली तो बहुत ज़्यादा डैमेज इनका हर्ट हो रखा है, बहुत ज़्यादा पेन में है ये पर्सन। आप लोगों के साथ सेपरेशन उनको जम नहीं रहा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा उनको, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। नो वेज, मतलब जैसे नो डाउट यहाँ पे उनके पास ऑप्शंस हैं, पर वो उस ऑप्शंस में खुश नहीं रह पा रहे। मतलब उनकी ईगो सेल्फ कहती है चलना, बहुत ऑप्शंस हैं, आगे जाते हैं, ठीक है, बट वो वहाँ पे खुश नहीं है बिल्कुल भी। यस, देखिए ये पर्सन शायद आप लोगों का बिल्कुल जो है ब्रेकअप हो चुका है यहाँ पे, लेकिन ये पर्सन की चाहत है कि ये आपके साथ दोबारा रियूनाइट करे, आपके साथ, आपकी मेमोरीज़ में खोए हुए हैं ये पर्सन, एंड इनको अपने किए पे भी पछतावा है, इन्होंने जो जो आपके साथ किया। एंड इस पर्सन का भी मैं कहूँ तो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पुराने मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, इनकी चाहत है आपके साथ रीयूनियन की, पर इनको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, अब तो ब्रेकअप हो चुका है, अब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं होने वाला, ऐसे इनकी करंट फीलिंग्स हैं। देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या है इनका आपकी तरफ। क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम पे है पेज ऑफ कप्स। मैसेज करेंगे आपको, आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, एंड मे बी आपको कन्वेंस भी करें कि अब मैं इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक दूंगा, या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरा, जैसे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं निभाऊंगा पूरे दिल से, और तुम्हारी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दूंगा या रहने दूंगी। वो आपको पूरा 100% कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर। देख लेते हैं कब तक होगा, ये पर्सन कब तक ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ। टू ऑफ कप्स, टू मंथ्स के अंदर आप लोगों की यूनियन हो जाएगी, एंड मे बी कई लोगों को यहाँ पे स्टेबिलिटी मिले, कमिटमेंट मिले अपने पार्टनर की तरफ से, इक्वल गिव एंड टेक मिले, और एकदम हारमोनियस यूनियन में आ जाए। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, तो करते रहो, क्योंकि इट्स वर्किंग, ये काम कर रहा है, एंड आप लोग एक हो जाओगे, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।